कितने दिन हो गए मुझे गोकुल से यहाँ आए। क्या सोचते होंगे गोकुल के सभी लोग माँ जी के खो जाने के कारण। इन्होंने क्या सोचा होगा मेरे बारे में। कृष्णा के भी दर्शन नहीं हो पा रहे। कितनी अभागी हूं मैं। जमुना, पौधों को पानी दे दिया? पानी दे रही हूं गुरुमा। कृष्णा क्यों नहीं आ सकती? मैं हूं ना तुम्हें ले जाने के लिए ही तो आया हूं। सच कृष्णा? सच्ची। तुम जाओ गुरुजी से पूछ कर आओ। जाओ जाओ जल्दी जाओ। हे कृष्णा, मैं ऋषिवर से पूछ कर आती हूँ। शीघ्र जाओ। तुम भी चलो मेरे साथ। नहीं, तुम जाओ तब तक मैं पेड़ में पानी देता हूँ। जाओ जाओ। सुनो, मेरे लिए
साइकिल लेके आना। लाओगी ना? जाओ जाओ। महर्षि वो कृष्ण, कृष्ण मुझे स्वयं गोकुल ले जाने के लिए आया है। कृष्ण? हाँ, वो वही खड़ा है। आप आज्ञा देंगे? मैं कृष्ण के साथ गोकुल चली जाऊंगी। आइए मैं दिखाती हूँ। आइए ऋषि भाई, कान्हा वही है। कहाँ है कृष्णा? वहाँ। जब साथ नहीं होता तब हर पत्नी उदास हो जाती है। जमुना के साथ छल हुआ है। हाँ प्रभु, जानती हूँ। इतनी निष्पाप है जमुना कि वो अपने आप को अपराधी मानने लगी है। बेचारी गोकुल आना भी चाहती है लेकिन आने से डरती है। आप क्यों नहीं लेकर आए उसे? आपको साथ लाना चाहिए था। तुम तो जानती हो ना, जब मनुष्य एक पग सत्य की ओर चलता है तो ईश्वर उसकी ओर 10 कदम बढ़ाते हैं। अच्छा, ये बात थी। अब मैं समझ गई प्रभु। नारायण प्रभु। देवर्षि, कृष्ण ने सत्य ही तो कहा। सत्य परमात्मा का तेज, परमात्मा का रूप। सत्य की दिशा में बढ़ने का अर्थ परमात्मा की दिशा में बढ़ना। परंतु जमुना प्रभु, देवर्षि, जमुना सत्य को सत्य मान बैठे। इसीलिए तो कृष्ण ने कहा कि जब जमुना सत्य की ओर अर्थात गोकुल की ओर अपने पग बढ़ाएगी तब कृष्ण उसकी सहायता करेंगे। सत्य प्रभु, नारायण नारायण।
तरह ही मेरे मन में आग जल रही है, अपमान की आग, अपमान की आग। स्वयं महारानी ने मेरा अपमान किया, मेरे परम मित्र की पत्नी ने, मेरी भाभी ने मुझे तुच्छ समझा, तुच्छ। कारागार के सभी द्वार बंद कर दिए जाएं। महारानी, अगासुर को निकलने दीजिए। मैं अगासुर को ही बंदी बनाना चाहती हूँ। मुझसे अपने आप को बचाने के लिए कृष्ण को पुकार रही थी, उसे कृष्ण को जिसका वध करने के लिए मथुरा नरेश ने मुझे नियुक्त किया है, परंतु अचानक सुदर्शन चक्र, वो कहां से आ गया? मैंने उन सब बातों को भूलने का बहुत प्रयास किया, परंतु नहीं भूल सका। मैं अपना अपमान नहीं भूल सका, ना ही मथुरा नरेश को दिया वचन भूल सकता हूँ कि मैं कृष्ण का वध करूंगा, परंतु ये अपमान मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा है। मथुरा नरेश, मुझे क्षमा कीजिए, मेरे मन में लगी आग जब शांत करेंगे तभी मैं गोकुल जाऊंगा। मैं लौट रहा हूं, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। मथुरा नरेश, मुझे क्षमा कीजिए, मैं वापस जा रहा हूं। भाभी, प्रणाम। भाभी। प्रणाम महारानी केशनी। वसुदेव जी, अघासुर ने आप लोगों को कोई हानि तो नहीं पहुंचाई? नहीं, आपने हमारी पूछताछ की, हमारे सारे घाव भर गए, आपने अपने प्राण संकट में डालकर। वसुदेव जी, प्राण जब तक संकट में ना आए तब तक ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होता। मैं ये भूल गई थी वसुदेव जी कि कृष्ण जो सबकी रक्षा करते हैं, उनको रक्षण की क्या आवश्यकता है? अघासुर मृत्यु बनकर मेरे सामने खड़ा था, पर कृष्ण ने मेरी रक्षा करते हुए मुझे आत्म साक्षात्कार कराया कि कृष्ण स्वयं जिसका पालनहार तारणहार है, मृत्यु उसको स्पर्श भी नहीं कर सकती। हम सब दुर्भाग्यशाली हैं वसुदेव जी। मथुरा नरेश कंस को इसका आत्म साक्षात्कार पता नहीं कब होगा। भाभी। महारानी केशनी। भाभी। समझ गई ना? हाँ, सुमंत अच्छा लड़का है, बता देना अपनी ननंद को, दामिनी भी अच्छी है। सास नहीं, माँ बनेगी तुम्हारी ननंद की। हाँ, मैं आज ही इनसे बात करूंगी। क्यों चाची जी, कौन सा पाठ पढ़ा रही है, हमें भी बताइए। तुम्हें क्या, चलो जाओ यहाँ से। जमुना ने क्या बिगाड़ा है? क्या कह रही थी? कुछ नहीं। सुमंत अच्छा लड़का है, दामिनी मौसी सास नहीं बनेंगी, माँ बनेंगी। तो इसमें झूठ क्या है? तो आप अपनी बेटी का विवाह क्यों नहीं करा देती उससे? खुश रहेगी ना गंगा? चुप, छोटा मुंह बड़ी बात करता है। आप बड़ा मुंह छोटी बात करती हो।
जमुना को छोड़ दिया। मौसी सुमंत अच्छा कैसे हो सकता है? देख भी रहा हूँ और सुन भी रहा हूँ। चाची जी, जमुना का बुरा नहीं होने दूंगा। आपको पता है जमुना आ रही है? जमुना आ रही है? वो देखो, जमुना रो रही है। मैं सत्य कह रही हूँ महर्षि, कृष्ण आया था। यही तो तुम्हारा भ्रम है पुत्री। भ्रम? हाँ पुत्री, शरीर से तो तुम यहाँ हो परंतु तुम्हारा मन गोकुल में है। तुम गोकुल जाना तो चाहती हो परंतु जाने से डरती हो। तुम्हें कोई सहारा चाहिए गोकुल जाने के लिए, और वो सहारा तुमने कृष्ण में ढूंढा है। पुत्री, इसीलिए तुम्हें भ्रम हुआ है कि कृष्ण तुम्हें ले जाने के लिए यहां आया हुआ था, परंतु क्या एक बच्चा गोकुल से इतनी दूर अकेला यहां आ सकता है? इसमें रोने की क्या बात है पुत्री? याद रखो, यदि तुम सत्य से दूर भागोगी तो जीवन से दूर हो जाओगी। मैं क्या करूं ऋषि? गोकुल चली जाओ। मैं कुछ कन्या और स्त्रियों को तुम्हारे साथ भेजता हूं, वो तुम्हें सुरक्षित गोकुल पहुंचाकर वापस लौटाएंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।